अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कैट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कैट जो है वो काफी हद तक जो है वो रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपकी कैट जो है वो रिकवर नहीं कर रही तो आपको किसी वेट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें बहुत सी होम रेमेडीज आती हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, ये भी हम अपनी कैट को दे सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमारी कैट की जो इंटेस्टाइन मतलब है बाउल की मूवमेंट जो है उसको इम्प्रूव करता है और वहाँ पे एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है जिससे कैट को स्टूल पास करने में आसानी होती है। तो इसमें आपने क्या डोज देनी है, मतलब कितनी क्वांटिटी देनी होती है कैट को, एक दिन में आपने उसको जो है आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच देना होता है। और इसके साथ ही आप अपनी कैट को जो है ऑलिव ऑयल दे सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है ये सेफ होता है आपकी कैट के लिए, लेकिन ऑयल जो है ये आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैट को नहीं देने, आपने दिन में उसको 1 टाइम ही देना होता है। और इसका काम भी यही होता है कि हमारी कैट के जो स्टूल होता है उसको मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर देता है और इंटेस्टाइन को थोड़ा लुब्रिकेंट कर देता है जिससे कैट जो है वो इजीली स्टूल पास कर देती है। इसमें आपने आधा चम्मच या फिर जो है 1 चम्मच अपनी कैट को दिन में एक दफ़ा देना है। और इसके अलावा आप अपनी कैट को जो है पंपकिन दे सकते हैं। पंपकिन जो होता है ये बहुत अच्छा होता है कैट के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जिसकी वजह से हमारी कैट का जो GIT होता है मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है और कैट जो है वो इजीली स्टूल को पास कर देती है। इसमें आप जो है कैन में जो आते हैं पंपकिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्लेवर वाला इस्तेमाल नहीं करना। और जो घरों में या बाहर बाजार में आम मिलते हैं पंपकिन वो भी आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच जो है ये अपनी कैट के फूड में ऐड कर देना है या अलग से उसको खिला देना है। और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता हमारी कैट को, आप अगर चाहें तो दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपनी कैट को जेली फूड दे सकते हैं, कैन फूड जो आते हैं वो दे सकते हैं, उससे भी हमारी कैट की कॉन्स्टिपेशन का मसला जो होता है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कैट का स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और कैट इजीली पास कर देती है। और सबसे लास्ट रेमेडी क्या है, वो है मिल्क। आप अपनी कैट को मिल्क दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि कैट जो होती है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मतलब वो दूध को हजम नहीं कर सकती, उसमें लैक्टोज होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है थोड़ा सा दूध ले लें, 5 से 10 ml दूध ले लें, उसको जो है थोड़ा नीम गर्म कर लें, नीम गर्म कर लें और उसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है आधा या 1 चम्मच, मतलब इतनी चीनी हो कि जो मतलब कह लें कि तेज़ मीठा होता है हम लोगों के लिए, वो डाल देनी है। और आपने वो जो नीम गर्म दूध है वो सिरिंज में भर लेना है, वो आपने अपनी कैट को या अगर आपके किटन को प्रॉब्लम आ रही है उनको आपने 5 से 6 ml पिला देना है। ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी उसे दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे भी कैट की कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है, मतलब कैट जो होती है वो स्टूल पास कर देती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।